काम है, दो चार दिन खातिर यहाँ आए बाड़ू, शांति से नहीं रह सकेलू। हम तो एकरा के बस यह समझावत रहली कि बहू के ससुराल में कैसे रह के चाहिए। ये तुहर गांव नहीं बा, शहर बा। गांव के रहन सहन और शहर के रहन सहन अलग होखेला। और फिर पूजा समझदार भी आ, पढ़ल लिखल भी आ, तो का जरूरत रहे तुहरा समझावला के? नहीं दीपक, एक गलत बात कहले बिया। अब चाय भी गलती हमनी है के बा, बिना बतौले आ गई। मैं तो पूजा के बतौलू नहीं कि हमनी कहीं जा काहे आई ली। यह ना गलती बा तोहार, पूजा के बता दिया चाहत रहे। खैर अब पूजा, हमनी के रूपा जी के सहयोग से नीलू खातिर लेकर ढूंढे आई ले। पसंद आ गई तो नीलू के दिखा के हमनी के गांव चल जाए। अरे कितना बदमाश पुतौ बिया, हम तो एकरा के बहुत सीधा समझत रही। अब काकी, हमने के तो आपके मदद करे, सहयोग करे और सहयोग लेवे आई डाली। ना ही मालूम रहे कि हमने कही जाइला के बाद आपके घर में गृह युद्ध शुरू हो जाई। अब साली साहिबा कहत रहली कि हमने के जल्दी चल जाई। ठीक बा माई, नीलू के फिर कबो दिखा लिया। चल हमी का गांव चल जाओ। नहीं, ई घर हमार है, पूजा के बाप नहीं देल बड़न दहेज में। आप लोग जब तक चाहें यहाँ रही, क्योंकि मजाल नहीं होकी आप लोग यहाँ से निकाले के। लेकिन हमने तो मेहमान मानी घर के। हाँ, पर पूजा के नहीं, आप लोग हमार मेहमान बने और हमरा के कोनो आपत्ति नहीं खे आप लोग के यहाँ रहला में। आप लोग के फिक्र करने की कोनो जरूरत नहीं खे। हम ऑफिस जाता नहीं, शाम के फिर भेंट हुई। जी जी। दीदी, आज भोरे से मुन्ना के बहुत याद आता। कितना दिन हो गए ओकरा के देखले। अम्मा जी भी बहुत परेशान हुई है। हम एक बार अपन मुन्ना के देख नहीं सकेली। कैसन बात करत हो इंदु, वो तहार मुन्ना है और के मना करी तहरा के ओकरा के देखला से। हाँ, फिर हमरा दो दिन खातिर गांव जाए थे। हम मुन्ना के देख के चलाए, अम्मा बाबूजी से कोनो बहाना बना दे कि काहे ना आए। इंदु हिम्मत रखा, हमने के तरह गांव गईला से कोनो आपत्ति नहीं के। बस डर ए बात के बा कि कहीं ये बात के पता माई बाबूजी के चल गई तो हमने के सब कोशिश बेकार हो जाए। हमरा के देख, एक लौती बेटी भी है, फिर भी हॉस्टल में रखे के पड़ा। का हमार मन ना तड़पेला? तड़पेला, बहुत तड़पेला। लेकिन बेटी के भविष्य के बारे में सोच के मन के समझा ले भी नहीं।
हाँ हाँ क्या कब से? जी जी मैं तुरंत आता हूं जी, बस बस मैं तुरंत निकल रहा हूं। सुनिए क्या हुआ? अब कुछ नहीं, एक दोस्त का फोन आया, बस जरूरी काम से जा रहा हूँ। पर आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ तो बात जरूर है। मैंने कहा ना जरूरी काम में जा रहा हूँ, लौट के बताता हूँ। सुधाकर, आप स्वाति के पुराने सारे इलाज के डॉक्टरों के पर्चे भी साथ में लेकर आइएगा। डॉक्टरों के पर्चे? सर मैं स्वाति की मम्मी बोल रही हूँ, आप डॉक्टरों के पर्चे क्यों मंगवा रहे हैं? तो क्या आपको मिस्टर सुधाकर ने कुछ नहीं बताया? स्वाति की तबीयत बहुत खराब है, उसे कई डॉक्टरों को दिखाया गया पर कोई फायदा नहीं हुआ। कब से बीमार है मेरी बेटी? एक हफ्ते से। और आप लोग आज हमें बता रहे हैं? क्या यही जिम्मेदारी है आप लोगों की? किसी का बच्चा जिए मरे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता? मैडम ऐसा नहीं है, हम स्वाति का इलाज करवा रहे हैं पर कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए मैंने आपको फोन किया है। आप सुधाकर जी को कह दीजिए वो आकर स्वाति को ले जाए। वो गए हैं, शायद स्वाति को लाने ही गए हैं। आप लोग स्वाति का ध्यान रखिएगा, जब तक वो पहुंच नहीं जाते आप लोग मेरे बच्चे का पूरा ख्याल रखिएगा। मैडम हम पूरा ध्यान रख रहे हैं स्वाति का, आप प्लीज रोइए मत, मैं फोन रख रहा हूँ, ठीक है? कहाँ है दीदी? स्वाति तो ठीक भी है ना? वो बहुत बीमार भी है इंदु, न जाने वो कैसन हुई। लगता भाई साहब शायद स्वाति के लिए आए खातिर गए हैं। आप परेशान मत हो कि स्वाति के कुछ ना होगी, वो एकदम ठीक हो जाए। आई आप बैठो। एक मुसीबत दूर हो खेला तो दूसरा मुसीबत आ जाला। अब हम स्वाति के अपने से दूर कभी ना भेजब, कभी भी ना। चुप हो जाइए दीदी, अगर आप हिम्मत नहीं रखब तो हमरो हिम्मत टूट जाए। चुप हो जाए, चुप हो जाए, चुप हो जाए। इस साली साहिबा के तेवर ठीक निखे लगत, हमरा लगता जरूर सम्राट के सह मिलता उपरा के। अब तो हरो पूजा की तरफ से सावधान रहे के पड़ी। चूहिया बिलाई बन गई पिया, और रूपा बहिन भी ज्यादा कुछ नहीं बोल पावत उकरा के। सुधाकर बताओत रहे नू कि सम्राट के सगरो सच्चाई के पता लग चुकल बा कि ओकर माई पूजा सोकर बिया सिर्फ आपन बदला लेवे खातिर कहले रहली। हमरा तो लगता कि सम्राट अपना माई से नाराज होके गई बा कि ओकर माई काहे ओकर इस्तेमाल कैली। वो पूजा के भी बोल दिले होगी कि तू के उसे डरैया मत। हो सकेला अब हम पूजा से सावधान रहब, ये हमनी के खेल बिगाड़ सके। इस सम्राट और माई के रिश्ते में का लफड़ा बा ई कैसे पता चली? भाई तू कहत रहलू ना कि
कि बहुत सा राज खुले वाला बा, पर एजा तो एक भी राज नहीं खुलन। माई बेटा के रिश्ता में का भेद बा, भेद बा की भी नहीं। ये जबले सबके पता नहीं खे चल जा, तू अपन दाव कैसे चलबो? तू तो कहत रहलू कि रोज रोज एगो नया मोड़ आवे वाला बा, पर एजा तक कौनो मोड़ नहीं दिखाई देते। नहीं बेटा, एक मोड़ दिखाई देता, पूजा के तेवर। अचानक ओकरे अंदर इतना हिम्मत कैसे आ गई, इहो पता करे के पड़ी। हम जौन अंदाजा लगवले हई वो गलत नहीं हो सकेला। माई बेटा के रिश्ता में दरार बा, पर वो दरार कितना गहरा बा इहे पता लगावे के पड़े। माई, समय गवावल ठीक नहीं है, पता ना कब हमनी के बोरिया बिस्तर बांध के ही जैसे जाए के पड़ जाए। ऐसन होके ओकरा पहले ही तू सब कुछ पता करा। जितना जल्दी हमनी के ई पता चली कि माई बेटा के रिश्ता में का भेद बा, उतना ही जल्दी हमनी के आपन मकसद में कामयाब हो पाई। नहीं बेटा, जल्दबाजी कई ठीक नहीं है। हम धीरे धीरे रूपा बहन के खाव को रे तब, फिर वो खुद ही सब कुछ बताती हैं। माई, अगर सुधाकर के पता चल गई कि हमनी के हिजा आइल है, तो वो हिजा आके बवाल खड़ा कर दी। अब बिना मतलब बात पड़ी तो हो सकेला हमनी के हिजा से जाए के पड़ जाए। तू अब ही जाके रूपा बहन से बात कर। देखा था कहा अकेला। ई कह रे मई, जादुई तेल रूपा बहन, रूपा बहन, आपके चेहरे पर कितना थकान बा, ऑफिस में काम कर करके थक जात हो कब? हाँ वो तो बात, हम ये तेल आपके कनपट्टी पे लगा देते हैं, बहुत आराम मिली आपके। अरे नहीं रह दी, ये जड़ी बूटी वाला तेल है, हम सही कहा थे, तुरंत आराम मिल जाए आपके। रूपा बहन, अगर बुरा ना मानी तो एक बात पूछी। पूछी? हमने आपके पति के नहीं देख ली। दीपक कहत रहे कि उस सम्राट के ब्याह में भी नहीं आयल रहलन, का वो एजा नहीं रहलन? नहीं, वो हमारे साथ नहीं रहलन। ओ तो बाहर रह के कमावत हुई हन, कितना मेहनती और नीक इंसान हवन, अपन परिवार की खुशी के खातिर अपन खुद के खुशी भुला देलन। अच्छा, कब सम्राट नहीं पूछेला
कि ओकर पिताजी एजा काहे नहीं आवेलन? नहीं, ओ दीपक के साला कहत रहल कि आपके और सम्राट के बीच में काफी झगड़ा भइल बा। तका सम्राट सुधाकर के बता देले हो कि बता देले हो कि वो हमार बेटा नहीं बा। बेटा नहीं बा, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करे, नहीं करे, पर कहीं बता देले हो। बता दे का सोचे लगले रूपा बहन? आपके और सम्राट के रिश्ता में एक मिनट, हमरा आराम मिल गई, अब आप जाए। ओ, हम कुछ गलत कह दहली का? देखिए मेरा बहन, आप हमार निजी मामला में दखल मत दी है। ऐजा आप अपन बेटी के रिश्ता देखे आइल बनी तो उहे काम करी। आज से आप ना हमार पति के बात करब, ना ही हमार बेटा के बात करब। हमार बात से आपके दुख पहुँचल, यही से हम माफी मांगत है। हमरा के तनी को अंदेशा ना रहल कि हम आपके नाराज करत है। हम तो बस आपके दुख दर्द में शामिल होवे के चाहत रही। ठीक बा, ठीक बा, अब जाए, आराम करी।